हाय एवरीवन, अंजलीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी एक चिल्ली की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी सिंपल और आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाता है। अगर आपको एक खाना पसंद है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक चिल्ली बनाने के लिए मैंने लिया है 4 उबले हुए अंडे, जिसे हम बीच से इस तरह से 2 भागों में काट देंगे। अब मैं इसके ऊपर से नमक और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने। मैंने लिया एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल का हमें ज़रूरत नहीं है, हल्का ही तेल में हम अंडे को फ्राई करेंगे। इसे हम पैन में अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे तेल को। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए अंडे। एक साइड से हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, एक साइड से ये फ्राई हो गया है, तो हम इसे पलट देंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, इसे हल्का हल्का ही फ्राई करना है। तो दूसरे तरफ से भी हम पलट के हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो गया है। ये देखिए, दोनों साइड से ये अंडा फ्राई हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने। अब एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, 8 से 10 लहसुन की कलियां लिया है मैंने, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही में हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, आप चाहें तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं। तो इसे भी हम 1-2 बार इस तरह से चला लेंगे हाई फ्लेम पे। अब मैं डाल दूंगी इसमें कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो इसे डाल के हम हाई फ्लेम पे इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें सारे सॉस को डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1/2 चम्मच विनीगर, और साथ ही में 1/3 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। तो सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी स्प्रिंग अनियन। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे इसे और इसे अच्छे से चला देंगे। तो जितना पानी मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ डाला था, उतना ही पानी इसमें हम और डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्रेवी बनकर तैयार है। इसमें एक उबाल आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे। ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है अंडे को। इसे हम अच्छे से हल्के हाथों से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो गया है। आप चम्मच से भी इस तरह से इसे ग्रेवी में मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो गया है। तो ये एक चिल्ली बनकर तैयार है। तो चलते हैं हम इसे सर्व करने। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। ठंड के दिनों में गर्मा गर्म एक चिल्ली खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये काफ़ी टेस्टी, स्पाइसी और यमी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए, आ गया ना मुँह में पानी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।